डियर स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेज ऑफ एरर्स इन सर्वे रिसर्च अगर हम इन एरर्स की बात करें तो हम इनको तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं द फर्स्ट वन इज एरर्स इन सेलेक्टिंग द रिस्पोंडेंट सेकेंड वन इज़ द एरर्स इन रिस्पोंडिंग द सर्वे क्वेस्टन्स एंड द थर्ड वन इज़ द सर्वे एडमिनिस्ट्रेशन एर यानी पहले एरर्स जो हैं वो आपके सैम्पलिंग से रिलेटेड हैं दूसरे एरर्स जो हैं वो आपके टूल ऑफ डाटा कलेक्शन के आ, से रिलेटेड है तीसरा जो है आपके डाटा कलेक्शन प्लान से रिलेटेड हम एक एक करके देखते हैं कि इनमें कौन कौन से एरर्स होते हैं और हम जब बात करते हैं एरर्स इन सेलेक्टिंग द रिस्पोंडेंट्स तो जो फर्स्ट एरर है वो है सैम्पलिंग एरर्स यानी कि हमने हमारी मेथड क्या था उसको कितना एग्जैक्टली exactly फॉलो किया तो अगर तो हम उसको एग्जैक्टली exactly नहीं फॉलो कर रहे हैं या उसमें हम जो है कोई जो है कमिट कर रहे हैं एरर तो उसको हम सैम्पलिंग एरर हैं दूसरा टाइप ऑफ एरर है जो कवरेज एरर है कि हमने क्या पूरी पॉपुलेशन की जो जो सब ग्रुप्स हैं उनको कवर किया है कि नहीं किया कोई हमसे कोई सब पॉपुलेशन जो है वो अमिट तो नहीं हो गई थर्ड जो है वो नॉन रिस्पॉन्स एरर है तो एट द लेवल ऑफ सब यूनिट के अगर कोई जो रिस्पॉन्डेंट है वो रिफ्यूज़ कर दे आंसर करने का तो वो एक नॉन रिस्पॉन्स एरर कहलाता है सेकेंड uh, uh, जो टाइप हमने देखी थी वो थी एरर्स इन रिस्पॉन्डिंग टू सर्वे क्वेश्चन जो कि पर्टिकुलरली रिलेटेड है टूल ऑफ़ डाटा कलेक्शन से इसमें जो एरर है वो ये हो सकता है कि जो आपका टूल ऑफ डाटा कलेक्शन है उसमें जो डिफरेंट स्केल्स यूज़ हुए हैं डिफरेंट क्वेश्चन यूज हुए हैं तो उसमें से अगर कोई रिस्पोंडेंट जो है स्पेसिफिक क्वेश्चन को स्किप कर दे तो आ, ये जो है इस सर्वे आइटम एरर है आ, दूसरा जो है मैयरमेंट एरर हो, हो सकता है कास्ट बाय द रिस्पॉन्डेंट जिसमें रिस्पॉन्डेंट जो है आपके बात को केयरफुली ना सुने या आपका टूल ऐसे डिज़ाइन हुआ है वो केयरफुली हर आइटम को ना पढ़ सके अक्सर जो होता है ये कि जब हम टूल डिज़ाइन कर लेते हैं तो उसके लेआउट आउट में इन ऑर्डर टू सेव द पेपर उसको इतना शॉर्ट और इतना मिनिमाइज करके लिखते हैं कि है वो पढ़ना भी रीडेबल भी मुश्किल हो जाता तो इस सिचुएशन में जो है वो स्किप हो जाती है सब आइटम्स और तीसरा जो टाइप ऑफ एरर है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में है वो है बैयर एरर कास्ट बाय इंटरव्यूअर्स तो जो इंटरव्यूअर है वो स्लॉपी है और उसने जो है जब सवालों पे बात की है रिस्पोंडेंट से तो उसको वो ठीक तरीके से कन्वे नहीं कर सका या फिर उसके जो रिकॉर्डिंग जो कि उसने आंसर्स की वो प्रॉपरली नहीं हो सकी तो ये भी एक मेयरमेंट का एरर है आ, सर्वे एडमिनिस्ट्रेशन एरर्स की बात करें तो इसके तीन तरह के हैं ये पोस्ट सर्वे एरर्स मोड अफेक्ट्स एंड देन कंपेरेबिलिटी एरर्स तो पोस्ट सर्वे एरर्स कौन से हैं ये जो आप डाटा एंटर करते हुए और डाटा क्लीनिंग करते हुए डाटा ट्रांसफ़र करते हुए जो एरर्स कमेंट कर देते हैं यानी आप डाटा एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पे एंटर uh, वैल्यूज़ जो आपने एंटर की वो रॉन्ग कर दी फिर उसको क्लीन करते हुए आपसे कुछ uh, जो है फाइल्स मिस हो गई और uh, जो है uh, और उसके बाद जब आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो अगर वो कोडिंग शीट सेम नहीं है तो वहाँ पर हो सकता है कि कोई एक एरर कमेंट हो जाए द uh, सेकेंड uh, जो टाइप ऑफ जो एरर हो सकते हैं वो मोड की वजह से हो सकते हैं कि अगर आप मेल के थ्रू ले रहे हैं या इन पर्सन ले रहे हैं या इंटरनेट के थ्रू ले रहे हैं तो इनके अपने अपने चैलेंजेस हैं तो इसमें भी uh, आप एरर कमिट कर सकते हैं द uh, थर्ड जो है वो कंपेरेटिवलिटी एरर्स है कि डिफरेंट जो सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस हैं और uh, वो डिफरेंट तरीके से एक ही चीज़ को मह्यार करती हैं जैसे पॉलिटिकल बिहेवियर है पॉलिटिकल ओपिनियन है फॉर इंस्टेंस अगर गैलाप एक सर्वे कर रहा है तो उसको वो डिफरेंट तरीके से मैयर करेगा और अगर, अगर, अगर इंटरनेशनल सर्वे कर रही है तो वो अपने स्टैंडर्ड्स के मुताबिक सर्वे करेगी इसी तरह जो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का कोई सर्वे आ रहा है, तो वो अपने टूल्स के ऊपर करेगा तो ये भी एक सर्वे का जो है एक इसका चैलेंज है कि जब डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है अपने टूल्स के ऊपर स्टिक रह के कोई एक चीज़ को मैयर करती है तो वो उसको डिफरेंट तरीके से करती है तो एक ही चीज़ के ऊपर आपको डिफरेंट फाइंडिंग्स भी मिल सकती है